A viral video showed 71 Lamborghinis causing a standstill in Missouri. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Wait, I'm losing it. The noose, it fits some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? So hi all, welcome back to the channel. And आज हम लोगों का जो दिल्ली से रोड ट्रिप होने वाला था उसका डे वन है. एंड हमको ट्रैवल करके जाना था दिल्ली. तो हम लोग अभी बैंगलोर एयरपोर्ट में हैं. एंड हमारा फ्लाइट 10 बजे का था एंड अभी 12 बज गए हैं. स्टिल वो डिलेड ही दिखा रहा है. हम लोग एयरपोर्ट में आ चुके हैं और बस वेट कर रहे हैं. लेट्स वेट. फाइनली कितना डिले हुआ सवारी हमारी फ्लाइट को? 3 घंटे डिले. फाइनली हमारा बोर्डिंग कम्प्लीट हो गया. सो हाई ऑल, फाइनली वी रीच्ड दिल्ली एंड इम्पीरियल होटल में हम लोगों का स्टे है. एंड जो ये इवेंट होने वाला है इसका नाम है 00 इंडिया एंड ऐसा कुछ की है. एंड हम लोग जस्ट चेक इन किए हैं. मैं आपको फटाफट रूम टूर दे देती हूँ. ये है रूम. एंड सुभाषिश आज देख रहे हैं कि आज के इवेंट का क्या प्लानिंग है सो दैट हम रेडी हो पाए. एंड ये वॉशरूम रॉयल टाइप का थोड़ा है. हाँ, ये एक यूनिक चीज़ है यहाँ पर. तो देयर इज़ दिस इनविटेशन जिसमें सुभाषिश पानी एंड मिसेस अंजलि पानी. प्रॉब्लम है सुभाषिश का स्पेलिंग रॉन्ग है बट मुझे पानी कॉल किए बड़ा अच्छा लगा. एंड देन यहाँ पर ये बहुत स्वीट है. हम लोगों का ये प्लान होने वाला है कल के ट्रैवल का. एंड हम कहाँ कहाँ ब्रेक्स लेने वाले हैं ये सारा यहाँ पे मेंशन है. एंड ये स्वीट है. एंड ये देखेंगे आप तो ये व्हील बना हुआ है. हाँ, इतना यूनिक है. इसको खाने की इच्छा नहीं हो रही, बस जाके रखने की इच्छा हो रही है. सो दैट्स ऑल. हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोगों का लगेज आ जाए. एंड इनके इवेंट्स आई थिंक अराउंड 7:30 से कुछ डिनर प्लानिंग है तो हम लोग उसके लिए रेडी होंगे. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सारी उरुस सारी लैम्बोर्गिनीज खड़ी है यहाँ पर. हमारी वो है आई थिंक ग्रीन बुल. So hi all, this is day of our zero road trip. And आज हम लोग दिल्ली से ऋषिकेश जाएंगे. बीच में कुछ पॉइंट्स है, आई थिंक पिट स्टॉप्स है क्विकली जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट या फिर नहीं ब्रेकफास्ट हम लोग यहाँ से करके निकल रहे हैं. मे बी पेट्रोल एंड ऑल के लिए जो बीच में स्टॉप होगा वॉशरूम के लिए वो होने वाला है. टोटल 5 आवर्स का ये राइड होने वाला है. होपफुली रोड्स एंड ऑल अच्छे हो. एंड हम लोग दिस इज़ 8:30, वो लोग 6:30 से कॉल करके हमको उठा रहे थे. हम लोग उठ के सारा रेडी हो गए. हम लोग जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद 9:30 निकल जाएंगे. तो हम लोग निकल गए हैं. सी दिस इज़ वन मोर ग्रीन कलर. कुछ कुछ कार में अभी भी लोडिंग चल रही है उधर. तो ये लोग लगेज भूल गए थे एंड ये आई थिंक हमारा लगेज ट्रक में भेजते हैं राइट. लास्ट में जब somebody said कि अपना खुद करवाओ तो ज़्यादा बेटर है. बिन 1 आवर है ना हम लोग कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग लास्ट फ्यूलिंग के लिए रुके थे एंड तब से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं. हम ऋषिकेश वाले रोड में हैं तो रोड की हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं, काफ़ी बम्पी है. मुझे नहीं पता जो हीरा के नाम वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं छोटी वाली गाड़ियाँ. एंड फुल बाउंसी है रोड तो हम लोग के लिए अभी और 2.5 आवर्स 2.5 घंटे का और रास्ता है ऋषिकेश ताज के लिए. आप देख ही सकते हैं कितनी गाड़ी जंप हो रही है बट फन राइड है. ये सारे उरुस वाले पागल हो चुके हैं, इतना स्पीड में जा रहे हैं और पुलिस लिटरली खड़ी हुई है. इन लोगों को जाने दे रही है, इन लोगों को पहले निकाला जा रहा है स्पीड में ट्रैफिक रोक के. इतना लैम्बोर्गिनी वालों ने प्लानिंग किया हुआ है एंड सारे स्टाफ एंड ऑल. फन राइड, मजा आ रहा है ना. रोड थोड़ा बस डेंजर है, कब कितने जोर की गाड़ी उचक जाएगी कोई गारंटी नहीं.
हम लोग बीच में टोल क्रॉस करके दिल्ली के बाद रुके हुए. रोड काफ़ी बम्पी था, गाड़ी फुल जंप कर रही थी और ये छोटी गाड़ियाँ आई डोंट नो कैसे मैनेज कर रहे थे. ये लोग काफ़ी स्लो डाउन हो गए थे आगे जाके. एंड यहाँ पे सारा लाइंड अप किया हुआ है, रुका हुआ है 5 मिनट के लिए. तो हम लोग हमारा रिजॉर्ट ताज ऋषिकेश ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, जस्ट 5 मिनट्स अवे है. एंड रास्ता बीच बीच में थोड़ा ख़राब था, राइट, लैंडस्लाइडिंग में भी हुआ होगा तो उस वजह से पत्थर ये सब था बीच में. बट ऐसा कुछ इशू तो नहीं हुआ. एक ग्लास में, हमारे ग्लास में फ्रंट में छोटा सा क्रैक दिख रहा है, वो हम थोड़ा उतर के चेक करना है कि वो क्या हुआ है, क्योंकि पत्थर लग रहा था यहाँ वैसे कुछ है. क्रैक हुआ है, छोटा सा क्रैक दिख रहा है, तो हमको वो चेक करना होगा. एंड ये सारी गाड़ियाँ हैं सामने, रोड थोड़ा डेंजर है. तो हम लोग रिजॉर्ट पहुँचते हैं, चेक इन करते हैं. काफ़ी टायर्ड है, काफ़ी आज के लिए बहुत चला लिया रे. बीच में कुछ स्नैक्स उन्होंने अरेंज किया था, गंगा आरती होगी. हाँ, गंगा आरती के लिए फिर हमको रेडी होना है. हम लोग टायर्ड है, लंच भी नहीं हुआ है. फाइनली हम लोग ताज ऋषिकेश चेक इन कर चुके हैं रूम में. हम लोग इतना लेट हो गए थे कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा था. हमने लोकल फूड यहाँ पे टेस्ट किया, इन्होंने अरेंजमेंट किया था, इट वॉज़ ब्यूटिफुल. अभी आई विल शो यू क्विकली द रूम टूर. ऐसा कुछ रूम है. एंड ये क्या है, टी शर्ट लग रही है मुझे, बैग है इसके अंदर आई थिंक. एंड यहाँ पे अगेन ये कल ऐसे भी था, आज भी है. हाँ, दिस ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ भी, वाह. यहाँ पे हाँ गंगा जी, गंगा आरती भी होगी थोड़ी देर में. इसमें लिखा है आलू चावल का हलवा, टेस्टी है. अच्छा है ना, और भी दिए हैं. ये प्रसाद है आई थिंक यहाँ का फेमस. टेस्टी है, मुझे सब कुछ ट्राई करना है. लोगों ने कितना अच्छे से देख लिख के दिया है यहाँ पे पत्ते में. So hi all, this is day 2 of our Zero India ride and we are in Rishikesh. Look at the view. ऐसा कुछ है, थोड़ा सा humid weather है. And ये cars, you see, there are a lot of Huracans, Technica, I don't know what all they have. सारा colorful यहाँ पर रखा हुआ है. And जो Lamborghinis, Urus है वो वहाँ पर कहीं है दूर पे park. And we are all set to leave the property now. Guys, we are all ready and set. बस आगे वाले जब move होंगे तभी हम move हो पाएंगे आगे. सारी cars one by one है. देखो mirror से red, green, yellow सब दिख रहे हैं. Ashish, is the road is blocked? Get to Dehradun. सारी lines इधर. Yes. If I show you, same thing. Why can't we face it? Keep on paper. हम लोग मसूरी के पास है ऑलमोस्ट. ये एक घंटा और दिख रहा है, 1.15 मिनट्स कुछ दिख रहा है हमारे रिजॉर्ट के लिए, नेक्स्ट स्टॉप के लिए. एंड रोड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फुल सीनरिक है. तो गाइज फाइनली वी रीच्ड मसूरी. हमने हमारा लंच फिनिश किया फटाफट, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी. अभी तो 5 बज चुके हैं लंच ख़त्म करके.
एंड मैं आपको हमारा रूम टूर दिखा देती हूँ. हम रुके हैं JW मैरियट मसूरी में. दिस इज़ वॉकवे एंड वॉकवे था वो. ये है बेड, ऐसा कुछ रूम है, ऐसा कुछ दिख रहा है. और ये है अबाउट द एरिया. सो गाइज, इट वॉज डे 3 ऑफ जीरो इंडिया 2024 एंड हमारा डे एंड हो चुका है. यहाँ पे आफ्टर पार्टी एंड ऑल अरेंजमेंट्स है एंड हम उसको आई थिंक नहीं अटेंड करेंगे सोच रहे हैं. बट द बैंड एंड ऑल वो हम आई थिंक ऊपर से ही इंजॉय कर सकते हैं हमारे रूम से. सो या दैट्स ऑल. तो यहाँ पे हम लोगों का आज लास्ट फंक्शन यहाँ पे होने वाला है खाने यहाँ पे. और ये तो हम लोग स्किप करने वाले हैं क्योंकि अभी 8:30 हो चुका है और यूजुअली हम लोग दो दिन से 9:30 को खा रहे हैं. यूजुअली हम लोग 7 को खा लेते हैं और आज हम लोग और नहीं वेट कर सकते और हम रूम पे मंगा के खा के सो रहे हैं क्योंकि इनका आज प्लान है आई थिंक आफ्टर पार्टी एंड ऑल 11-12 ऐसे भी होने वाला है. तो बस देखने वाला था कि नहीं ये कौन सा आज बैंड परफॉर्म कर रहा है क्योंकि कल इंडियन ओशन का था विच इज ग्रेट, उनका बहुत अच्छा था. आज बस कौन सा है उसके लिए मैं देख रहा हूँ. एक्चुअली सब लोग आके रूम से देख रहे हैं कब स्टार्ट होने वाला है. तो गाइस, दिस इज लास्ट डे ऑफ द राइड जो लैम्बोर्गिनी ने अरेंज किया था. आज हम लोगों का रिटर्न है. हम लोग अभी मसूरी से हरिद्वार एंड देन हरिद्वार में गाड़ी ड्रॉप करके हम लोग देहरादून एयरपोर्ट जाएंगे. वहाँ से हमारा बैंगलोर के लिए फ्लाइट है डायरेक्ट. तो अभी हम लोग ऑन द वे है. बीच में थोड़ा सा जैम था, इन्होंने कॉन्वॉय को डिवाइड करके निकाला 3 पार्ट में जैम को अवॉइड करने के लिए. तो ऐसा कुछ रोड है एंड मतलब व्यू तो बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर है, फुल बादल जा रहे हैं, बहुत सुंदर है. बस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम टाइम पे पहुंच जाए. हमारी फ्लाइट इवनिंग में है. गाइस, वी हैव रीच्ड हरिद्वार. हमारा यहाँ पे बहुत छोटा सा थोड़े टाइम के लिए आई थिंक लंच अरेंज्ड है. हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमको निकलना है एयरपोर्ट. हम लोग बस होटल पहुँच रहे हैं एंड हम लंच फिनिश करके जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, फ्लाइट ना मिस हो जाए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. रोड ट्रिप था 3 दिन का, ये भी ओवर होता है. हमने बहुत इन्जॉय किया. नहीं, द कॉन्वॉय, द वे दे हैव प्लान्ड, इट वॉज वेरी नाइस. एंड ड्राइव भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया. द वेदर देहरादून हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. मसूरी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, हम लोगों का फर्स्ट टाइम था. दैट्स ऑल, वी विल सी यू इन next video. Bye.